Hello friends, today we are going to learn the next topic of maths, that is division. Friends, some simple examples of division are written here. Take out your notebook and write down these all examples. Let us see, I will explain each example one by one. Dekho, first one kya hai? Aapke liye first one, 12 divided by 3. 12 divided by 3. आपको क्या करना है, 3 का टेबल क्या करना है, काउंट करना है. जब तक 12 नहीं आता है उस टेबल में, वी विल काउंट दिस टेबल. 3 वन दा 3, 3 टू दा 6, 3 थ्री दा 9, 3 फोर दा 12. मीन्स 3 का टेबल 4 तक काउंट करने के बाद 12 आया. सो आई विल राइट हियर लाइक दिस, 2 minus 2, 0, 1 minus 1, 0. Friends, in the given example, this 12 is known as what? Dividend. This 3 is known as what? Divisor. Okay? This 4 is known as what? Quotient. And this one is known as what? Reminder. Okay? जिस number को हम divide करते हैं, what? That is dividend. जिस number से divide करते हैं, that is what? Divisor. जो आपका answer आता है वो क्या होता है? Quotient. और जो नीचे आता है, that is known as reminder. Okay? After that, we will move on next example. Now, 15 divided by what? 5. हमें 15 को 5 से डिवाइड करना है. हम 5 का टेबल, 5 के टेबल में कब तक काउंट, 5 का टेबल कब तक काउंट करने के बाद 15 आता है वो देखेंगे. 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15. मीन्स 5 का टेबल आप 3 तक काउंट करते हैं तो 15 आएगा. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका आंसर रहेगा. ओके, गॉट इट? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, 24 डिवाइडेड बाय 6. नाउ हम क्या करेंगे, 6 का टेबल काउंट करके देखेंगे. 6 का टेबल कहां तक काउंट करना है हमें, तब 24 आएगा. Let us see, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24. Means 6 ka table agar hum 4 tak count karte hai, to kya aega? 24 aega. So this will be, 4 will be your answer. Okay, is it clear? After that we will move on next example. 29 divided by 4. 29 is dividend and 4 is what? Divisor here. Okay? Now 4 ke table mein 29 aata hai kya dekho. 4 1 za 4, 4 2 za 8, 4 3 za 12, 4 4 za 16, 4 5 za 20, 4 6 za 24, 4 7 za 28 and 4 8 za 32. 29 nahi aata hai. फिर 29 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है 4 के टेबल में? द नंबर विच इज स्मॉलर देन 29, 4 7 जा 28, 29 से स्मॉलर नंबर. ओके, सो हमें क्या करना है, फिर माइनस करना है. 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 2 0. सो दिस विल बी योर आंसर 7 क्वेश्चन, एंड ये बन जाएगा आपका रिमाइंडर. मीन्स यहां पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज व्हाट? 1. यू हैव टू राइट लाइक दिस, क्वेश्चन 7, रिमाइंडर 1. गॉट इट? आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, 30 डिवाइडेड बाय 7. 7 के टेबल में 30 आता है क्या देखो? नहीं आता है. तो क्या 30 से छोटा वाला नंबर, द नंबर विच इज स्मॉलर देन 30,
वो कौन सा नंबर आता है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सेवन का टेबल हम काउंट करेंगे, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, क्योंकि सेवन फाइव जा हम लेते हैं तो थर्टी फाइव बन जाएगा, थर्टी से ग्रेटर नंबर बन जाएगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट सेवन फोर जा वॉट ट्वेंटी एट। माइनस करो, जीरो माइनस एट नहीं होगा, बोरो करना पड़ेगा, ये टू बन जाएगा, ये टेन बन जाएगा, टेन माइनस एट टू, टू माइनस टू जीरो। सो आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा और ये आ जाएगा व्हाट क्वेश्चंट, दिस विल बिकम क्वेश्चंट एंड दिस विल बिकम व्हाट रिमाइंडर, गॉट इट? क्या ये क्वेश्चंट, फोर इज क्वेश्चंट एंड टू इज व्हाट रिमाइंडर, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 19 डिवाइडेड बाय 2, अगेन हमें देखना है 2 के टेबल में 19 आता है क्या, अगर नहीं आता है तो 19 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है वो देखना है, ओके। सो लेट अस सी, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10, 2 सिक्स जा 12, 2 सेवन जा 14, 2 एट जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, क्योंकि 2 10 जा लेते हैं तो वो 20 बन जाएगा, 19 से ग्रेटर नंबर बन जाएगा, बट वी हैव टू टेक द नंबर विच इज स्मॉलर देन 19, सो 2 9 जा 18, माइनस करो, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0, मींस 1 विल बी रिमाइंडर एंड 9 विल बी व्हाट क्वेश्चंट, ओके। दीज आर डिविजन विथ वन स्टेप, ओके। नाउ we will see division with multiple steps. Let us see what 85 divided by 4. What 85 divided by 4? Now first of all, I will divide what 8 by 4 first of all. 4 to the 8. 4 to the 8. Minus karo. 0. Now ये 5 को हम नीचे लेंगे, सो आफ्टर दैट 4 वन जा 4, सो 5 माइनस 4 इट विल बिकम व्हाट 1, सो आपका क्वेश्चंट आ जाएगा व्हाट इज क्वेश्चंट 21 एंड रिमाइंडर आ जाएगा क्या 1, ओके। दिस विल बी योर व्हाट आंसर। नेक्स्ट वन लेट अस सी, 95 डिवाइडेड बाय 5, 5 के टेबल में हमें देखना है 9 आता है क्या, 9 नहीं आता है 5 के टेबल में, सो दैट टाइम हमें 9 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है वो देखना पड़ेगा। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 9 माइनस 5 इट विल बिकम 4, नाउ 5 को हम नीचे लेंगे ये 45 बन जाएगा, सो आफ्टर दैट 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 0 0, सो आपका क्वेश्चन क्या आ गया सेकेंड वन का 19 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 0, ओके। लाइक दिस यू कैन राइट योर आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, 243 डिवाइडेड बाय 5, 243 डिवाइडेड बाय व्हाट 5, लेट अस सी हियर दिस एग्जाम्पल, व्हाट 2 इज स्मॉलर देन 5, दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम वी कैन टेक टू डिजिट्स, ओके। 5 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है, 24 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है 25 आएगा, सो 5 20 आ जाएगा, ओके। 5 से छोटा 24 से छोटा वाला नंबर 5 के टेबल में क्या 20 आ जाएगा, सो 5 4 द व्हाट 20, लेट अस सी हियर, सो 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 व्हाट 0, 4 ये 3 को हम क्या करेंगे 4 के साथ नीचे ले लेंगे, नाउ इट विल बिकम व्हाट 43, नाउ 5 के टेबल में 43 आता है क्या, नहीं आता है, 43 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है 40 आएगा, ओके। सो लेट अस सी हियर बेटा, 5 8 जा व्हाट 40, माइनस करो बेटा,
सो क्वेश्चन आ जाएगा आपका 48 एंड रिमाइंडर आ जाएगा आपका व्हाट 3. इन लास्ट एग्जांपल लेट अस सी 270 डिवाइडेड बाय 6. 2 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि छोटा है 6 से, तो हम दोनों डिजिट लेंगे 27 बन जाएगा. सो 27 बनने के बाद लेट अस सी हियर 6 के टेबल में 27 आता है क्या, वो हमें देखना है. नहीं आता है तो 27 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है वो हम देख सकते हैं. सो 27 से छोटा वाला नंबर आ जाएगा 24. 64 द व्हाट 24 माइनस करो 03. ये 0 हम नीचे लेंगे 30 बन जाएगा. 6 के टेबल में 30 आता है क्या, देखो हाँ आता है. 6 का टेबल 6 फाइजा मींस 5 तक काउंट करने के बाद 30 आ जाएगा. 6 फाइजा 30 माइनस करो 00 मींस क्वेश्चन विल बी व्हाट 45 एंड रिमाइंडर विल बी व्हाट 0. सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व डिवीजन with one step and division with multiple steps. Okay, now we will move on word problems. Okay, we will move on word problems. Let us see some word problems are written here. You have to write these word problems in the notebook also. Okay, now I will explain each word problem one by one. Okay, let us see first one. If 8 chocolates cost rupees 40, then find the cost of each chocolate. What 8 chocolates cost rupees what 40. 8 chocolate ka cost 8 chocolate ke liye hame kitna pay karna hai 40. Fir 1 chocolate ka cost hame find karna hai. What is the cost of 1 chocolate? Okay, so for that we have to divide. Let us see 40 divided by what 8. 40 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा. 8 के टेबल में 40 आता है क्या वो देखना है. 8 फाइजा व्हाट 40. सो आंसर विल बी व्हाट 5. सो ईच चॉकलेट कॉस्ट रुपीज व्हाट 5. दिस विल बी योर आंसर. लाइक दिस यू कैन सॉल्व word problems. Okay, got it. After that we will move on second one. 7 pencils cost rupees what 21. 7 pencil ki price kitni hai 21 rupees. So we have to find out what is the cost of each pencil. Ek pencil ki price hame find karni hai. So for that we have to again do what division. What 21 divided by 7. 7 के टेबल में 21 आता है क्या देखो. यस 7 3 द व्हाट 21. सो योर आंसर इज व्हाट 3. सो ईच पेंसिल कॉस्ट रुपीज 3. दिस विल बी योर व्हाट आंसर. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन थर्ड वन. इफ अ पैकेट कंटेन्स 3 बिस्किट्स. एक पैकेट में कितने बिस्किट्स बैठते हैं 3 बिस्किट्स. ओके देन हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 27 बिस्किट्स. वी हैव टू पुट 3 बिस्किट्स इन 1 पैकेट. देन हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 27 बिस्किट्स. अगेन वी हैव टू डू वॉट division here. 27 divided by what 3. So divide karo 3 ke table mein 27 aata hai. 3 ka table 9 tak count karne ke baad kya aayega 27. 3 9 za 27 0 0. So we need how many packets of biscuits? 9 packets to pack what 27 biscuits. Okay, after that next one fourth one. How many bags of 3 kg peanuts can be made from 290 kg peanuts. Okay,
294 kg peanuts are there, and we have to make the packets or bags of 3 kg peanuts each. So how many bags of 3 kg peanuts can be made from what 294 kg peanuts? Again we have to do division here. 294 divided by 3. 3 के टेबल में 29 आता है क्या? वो देखो, नहीं आता है. ओके, फर्स्ट टाइम अगर ये फर्स्ट वाला डिजिट 3 से छोटा है तो दोनों डिजिट्स हम साथ में ले सकते हैं. हियर 2 इज स्मॉलर देन 3, दैट्स व्हाई आई टुक बोथ डिजिट. इट विल बिकम 29. 29 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता है. फिर 29 से छोटा वाला नंबर कौन सा आएगा? वो आएगा 27. सो 39 जा 27, माइनस करो, इट विल बिकम 0 एंड इट विल बिकम 2. अभी ये 4 हम कैरी डाउन करेंगे, इट विल बिकम 24. 3 के टेबल में 24 आता है क्या? वो हमें फाइंड करना है. यस आता है. 3 एट जा व्हाट 24, माइनस करो 0 0. सो आपका आंसर आएगा 98. सो 98 bags can be made of 3 kg peanuts. This is your what answer. Okay, after that we will move on next question, that is fifth one. If what 387 is divided by 9, means 387 is divided by 9, then 387 is called what? Let us see. I will show you what 387 is divided by what? 9. Then this number is what? Dividend. This number is what? Divisor. इनको इनका डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर. ओके, सो 387 क्या बन जाएगा फिर? इट विल बिकम व्हाट? डिविडेंड. व्हाट योर आंसर इज? व्हाट? डिविडेंड. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड. ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट? सिक्स्थ वन. क्या है सिक्स्थ वन? लेट अस सी. फाइंड द क्वेश्चन व्हेन व्हाट 583 इज डिवाइडेड बाय 7. हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन फाइंड करने के लिए इनका डिवीजन करना पड़ेगा. चलो डिवीजन करते हैं हम. व्हाट 583 इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 7. 7 के टेबल में 58 आता है क्या? देखो, क्योंकि हमें यहां पे दोनों डिजिट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज 5 स्मॉलर देन 7. सो अकेले डिजिट को हम क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते 7 से. अगर फर्स्ट डिजिट स्मॉलर है तो हमें दोनों डिजिट साथ में लेने. ओके, सो इट विल बिकम 58. सो 58 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. 7 एट जा व्हाट? 56. माइनस करो 0 2. ये हम क्या करेंगे? नीचे लेंगे 3. इट विल बिकम 23. ओके, 23 को अभी 7 से डिवाइड करो. 7 3 जा 21, माइनस करो 0 2. सो क्वेश्चन क्या आया यहां पे? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज इक्वल टू 83. एंड रिमाइंडर क्या आया यहां पे? रिमाइंडर आ गया 2. ओके, लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट क्वेश्चन एज वेल एज व्हाट? रिमाइंडर. ओके, क्वेश्चन एज वेल एज रिमाइंडर. ओके, नाउ सेवेंथ वन. 376 फ्लावर्स आर यूज्ड टू फॉर्म 8 गार्लैंड्स, देन हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच गार्लैंड? गार्लैंड मीन्स नथिंग बट माला. ओके, फूलों की माला. ओके, सो 376 flowers are used to form 8 garlands. Okay, then we have to find out how many flowers are there in one garland.
So let us see, for that we have to again divide 376 by what? 8. Chalo, 8 se divide karo. First of all, 37 ko divide karenge hum. 8 4 za 32. Remainder is what? Minus karne ke baad 5 bachega. Next 6 ko niche lenge, it will become 56. Then 8 7 za 56. So aapka question kya aaya? 47 means there are 47 flowers in each garland. Okay, this will be your answer. 47 flowers in each garland. Okay, after that we will move on ninth one. 9 chocolates cost rupees 351. Then find the cost of 1 chocolate. Again we have to do division. 351 divided by what? 9. 9 1 za 9, 9 2 za 18, 9 3 za 27, 9 4 za 36. 36 35 se bada hoga, greater hoga. So that's why chota wala number lena hai. 35 se chota wala number kaun sa aayega? 9 3 za 20 what? 7. 9 3 the what? 27. Minus karo. Kya answer aayega? 8. 15 minus 7. 8. 2 minus 2. 0. Ye 1 jo hai. Carry down karenge. It will become what? 81. Abhi 81 9 ke table mein aata hai kya dekho? Yes. 9 ke table mein 81 aata hai. 9 9 za 81. Minus karo. 0 0. So aapka answer kya aaya? 39. So you can write here, each chocolate cost rupees what? 39. This will be your what? Answer. Got it? Is it clear? After that we will move on what? Next, ninth one. If 5 saplings are planted by each student, then how many students did plant what? 795 saplings. Okay, total number of saplings are given here. What? 795 saplings, and we have to find out how many students did plant 795 saplings. Okay, each student planted what? 5 saplings. So 5 se divide karo ise. 5 1 za 5, because 7 is greater than 5, that's why we can take only one digit for divide. Okay, 5 1 za 5 here, 2 remaining, 9 hum niche lenge, 29, 5 5 za 25, chalo divide karo, kitna bacha, pehle subtraction karo 2, it will become 4, then again 5. 5 9 is what? 45. So 0 0. So answer will be what? 159 students planted how many saplings? 795 saplings. Sapling means nothing but baby plant. Okay, छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? सैपलिंग्स. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टेंथ वन. व्हाट इफ 6 पेंस कॉस्ट रुपीज व्हाट? 54. देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. इफ 6 पेंस कॉस्ट रुपीज 54, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू डिवाइड हियर 54 बाय व्हाट? 6. 6 9 za 54. So each pen costs rupees what? 9. This will be your answer. Got it? Is it clear? So here we have finished our lesson, that is division. Okay, thank you.